नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सोशल मीडिया पर तैरने वाली अफवाहें कभी कभी कितनी खतरनाक हो जाती हैं, ये बात आप ओडिशा के मलकानगिरी की घटना से समझ सकते हैं, जहां 50 बच्चों को ये कहकर शराब पिला दी गई कि इससे खतरनाक कोरोना वायरस नहीं होगा। सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स अक्सर देखने को मिलते हैं कि शराब पीने वालों को कोरोना वायरस नहीं होगा। शायद यही वजह रही होगी कि मलकानगिरी के पड़िया ब्लॉक इलाके में 10 से 12 साल के मासूम बच्चों को सालपा यानी देसी शराब पिला दी गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे बच्चों में कोरोना संक्रमण नहीं होगा। एक एक कर लाइन से करीब 50 बच्चों को बैठाया गया था। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही चेहरे पर मास्क दिखा, जो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, शराब जरूर दिखी। इस शर्मनाक घटना पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जित महापात्र कहते हैं, अल्कोहल का सेवन करना कोरोना को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोरोना आपके जीआई ट्रैक्ट से नहीं गुजरता, ये आंख नाक और किसी के मुंह से गुजरता है। अगर आप कोरोना संक्रमित से कुछ लेते हैं तो ये आपके शरीर में श्वसन मार्ग के जरिए प्रवेश करता है। शराब न तो निवारक है और न ही कोई इलाज। इसके साथ ही बच्चों को शराब देना भी अपराध है। ओडिशा के मलकानगिरी की इस घटना की तरह ही यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में भी ऐसी ही घटना घटी थी, जहां शुक्रतार इलाके में स्थित एक आश्रम में बच्चों को कोरोना वायरस की दवा बताकर शराब पिला दी गई। इस आरोप में गोदिया मठ आश्रम के स्वामी भक्ति भूषण उर्फ महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया था।